वहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस वीडियो इज़ ऑन एक्सरसाइज 11.3 क्लास 6 मैथ्स। एंड इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट पाई चार्ट। हाउ कैन वी टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पाई चार्ट एंड हाउ कैन वी ड्रा अ पाई चार्ट फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। सो लेट स्टार्ट द वीडियो एंड बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चन यू नीड टू नो सम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट पाई चार्ट। अ ग्राफ इन विच डाटा इज रिप्रेजेंटेड बाई पाई चार्ट और सेक्टर ऑफ सर्कल इज नोन एज पाई ग्राफ। पाई चार्ट बेसिकली एक सर्कुलर ग्राफ है, जैसे कि आपने एक्सरसाइज 11.2 में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्राफ किए थे, उसमें इन्फॉर्मेशन बार की शक्ल में रिप्रेजेंट करते थे। इसमें ये एक सर्कुलर ग्राफ है और इसमें इन्फॉर्मेशन को आप डिफरेंट सेक्टर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। वी नो डैट ए सर्कल हैज़ एन एंगल ऑफ 360 डिग्री। आपको पता है कि एक जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। अब इसमें जितने पार्ट्स हम इन्फॉर्मेशन की बेस पे बनाएंगे वो सारे इसके सेक्टर कहलाएंगे। हम पाई चार्ट जो सा है वो प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाते हैं। एक प्रोटेक्टर आपको पता है कि सेमी सर्कल होता है और ये 180 डिग्री के इक्वल होता है। अगर हम एक प्रोटेक्टर को ऐसे रख दें और दूसरे को ऐसे रख दें तो एक ही कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। ये कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री के इक्वल होगा और इन्फॉर्मेशन की बेस पे हम जितने इसके पार्ट्स बनाएंगे वो सारे इसके सेक्टर कहलाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। मिस्टर शाहिद गेव हिज क्लास सरप्राइज टेस्ट एट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द ईयर। मिस्टर शाहिद ने अपनी क्लास में टेस्ट लिया, सरप्राइज टेस्ट, साल के शुरू में और साल के आखिर में। द गिवन चार्ट शो द ग्रेड। ये जो चार्ट आपको नज़र आ रहे हैं ये डिफरेंट ग्रेड्स बता रहे हैं स्टूडेंट्स के, जैसे कि ग्रीन कलर जो सा है एफ ग्रेड स्टूडेंट्स को बता रहा है, पिंक कलर डी ग्रेड स्टूडेंट को बता रहा है, इस तरह बाकी सारे। स्टडी द पाई ग्राफ, इन पाई ग्राफ्स को स्टडी करें। डू यू थिंक ही मस्ट बी हैप्पी विद द रिज़ल्ट। तो आपने बताना है क्या एंड ऑफ द टर्म रिज़ल्ट से मिस्टर शाहिद खुश हैं कि नहीं। तो अगर आप इसको देखें साल के शुरू वाला ग्राफ, इसमें अगर आप देखें तो ये जो ग्रीन कलर का एफ ग्रेड स्टूडेंट को शो कर रहा है सेक्टर, ये काफ़ी बड़ा है, जबकि एंड ऑफ द टर्म रिज़ल्ट में ये सेक्टर स्मॉल हो गया है। तो इसका मतलब है कि अब परसेंटेज एफ ग्रेड स्टूडेंट की कम हो गई है साल के शुरू की निस्बत। तो इसका मतलब है एंड ऑफ द टर्म रिज़ल्ट जो है वो बेहतर है। तो हम फिर इस तरह इसको लिख लेंगे, मिस्टर शाहिद मस्ट बी हैप्पी बिकॉज द एंड टर्म रिज़ल्ट इज़ बेटर दैन द बिगनिंग रिज़ल्ट। अब हम क्वेश्चन 2 की तरफ आते हैं। द पाई ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ टेन मार्क्स। ये जो पाई ग्राफ है आप में आपको नज़र आ रहा है, इसमें परसेंटेज दी हुई है डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। ये वकास ऑब्टेन 300 मार्क्स। अगर वकास ने 300 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 400 मार्क्स, 400 मार्क्स में से, देन स्टडी द ग्राफ एंड फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन ईच सब्जेक्ट। तो आपने इन जो परसेंटेज दी गई है इसकी मदद से आपने मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। आल्सो टेल, और ये भी बताना है कि वकास ने किस सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स लिए हैं और किस सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स लिए हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। टोटल मार्क्स 400 हैं, ऑब्टेन मार्क्स जो उनसे हैं वो 300 हैं। परसेंटेज ऑफ इंग्लिश मार्क्स ये देखें यहाँ पे 20% थी, तो 20% ऑफ 300 क्या होगी। 20% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऑफ की जगह पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा और 300 वैसे ही आ जाएगा। अब आप ये दो जीरो इस दो जीरो से काट दें और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो इंग्लिश में 60 मार्क्स आए वकास के। परसेंटेज ऑफ साइंस मार्क्स भी कैलकुलेट कर लें, 25% ऑफ 300, इसको आप ऐसे लिख लें, दो जीरो ये दो जीरो से काट जाएंगे और 75 मार्क्स जो उनसे हैं वो साइंस में आ गए। मैथमेटिक्स के मार्क्स 30% ऑफ 300, इसको भी आप कैलकुलेट कर लें तो ये आपके पास 90 मार्क्स आ गए मैथ में। अब आगे चलें, परसेंटेज ऑफ उर्दू मार्क्स 10% ऑफ 300, ऐसे ही इसको कैलकुलेट करेंगे, 10% को हम ऐसे लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 300 के साथ। अब आप इसको दो ज़ीरो इस दो ज़ीरो से कट कर दें तो 30 मार्क्स जो उनसे हैं उर्दू में आ गए। नेक्स्ट इस्लामियत के मार्क्स 15% ऑफ 300, 15 / 100 और मल्टीप्लाई करेंगे 300 के साथ, ये दो ज़ीरो से कट के 15 × 3 = 45। अब जो मैक्सिमम मार्क्स हैं उसके मैथ में हैं 90 और मिनिमम मार्क्स जो उनसे हैं ये कम से कम वो उर्दू में आए हैं जो कि हैं 30। तो ये क्वेश्चन 2 हमारा सोल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। ड्रा द पाई चार्ट। अब इसमें आपने पाई चार्ट को ड्रा करना है। पहले दो क्वेश्चन में आपने पाई चार्ट की बेस पे इन्फॉर्मेशन निकाली थी, अब आपने पाई चार्ट को ड्रा करना है। तो इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट हैं। पहले हम पार्ट 1 को देख लेते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द अमाउंट ऑफ मनी रेज थ्रू फंड रेजिंग। बच्चों ने फंड रेजिंग करके कुछ अमाउंट को कलेक्ट किया है, कैसे कैसे जो उसके सोर्सेज थे जिससे उन्होंने पैसे इकट्ठे किए हैं, वो है चैरिटी वर्क जिसमें इनकम हुई है 3000, डोनेशन फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स से जो डोनेशन लिया है वो 2500 है, डोनेशन फ्रॉम टीचर्स 3200 है, टिकट सेलिंग से 8400 है और ड्रेसिंग अप डे जोन सा उन्होंने कोई फैंसी ड्रेस शो या फॉर्मल क्लोथिंग करके मीना बाजार टाइप पैसे इकट्ठे किए हैं। तो अब आपने इसको पाई चार्ट की शक्ल में बनाना है। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे सम ऑफ इनकम, जितनी इनकम हुई है सबका आप टोटल कर लेंगे।
वो हुई है 19,600। अब आपने इन सब इनकम को एंगल्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने जो पाई चार्ट है वो हमने एंगल्स की शक्ल में बताना है। तो हम लिखेंगे एंगल ऑफ चैरिटी वर्क सेक्टर, जो इंडिविजुअल चैरिटी वर्क से जो हमें इंडिविजुअल मिली थी वो 3,000 थी, इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल के साथ, और 360 डिग्री जो हमारा एक सर्कल होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है, तो हम इसको 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे एंगल कैलकुलेट करने के लिए चैरिटी वर्क का। तो अब यून साहब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 55.1 डिग्री। तो आप इसको राउंड कर देंगे, राउंड करके इसको 55 डिग्री बना लें, और भी जो आंसर आपके पास आएंगे सबको आपने राउंड कर लेना। आगे हम लिखेंगे एंगल ऑफ डोनेशन फ्रॉम पेरेंट सेक्टर, तो पेरेंट सेक्टर से अब 2,500 रुपये हमारे पास कलेक्ट हुए थे, तो वैसे ही हम लिखेंगे टोटल के साथ इसको डिवाइड करेंगे और 360 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कैलकुलेट करके 46 हमारे पास आंसर आ गया। एंगल ऑफ डोनेशन फ्रॉम टीचर सेक्टर, टीचर सेक्टर से 3,200 कलेक्ट हुए थे, 3,200 को टोटल से डिवाइड किया और 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया, 59 डिग्री आ गया। और फिर हमारे पास जो आंसर टिकट सेलिंग से 8,400, और इसको डिवाइड किया टोटल के साथ तो 154 डिग्री आ गया। इसी तरह एंगल ऑफ ड्रेसिंग अप डे सेक्टर 46 डिग्री आ गया। अब हमने इसको जो आंसर पाई चार्ट की सूरत में हमने इसको रिप्रेजेंट करना है, तो हम ऐसे एक प्रोटेक्टर लेंगे, प्रोटेक्टर हम लेके उसको ड्रा कर लेंगे, एक जो सा है सर्कल, और फिर हमने इसी यहाँ पे एक सर्कल ड्रा कर लेंगे तो हमारे पास एक पूरा सर्कल आ जाएगा। उसके बाद हम उसके जो सेंट्रल पॉइंट होगा इस सर्कल का, वहाँ से एक रेडियस ड्रा कर लेंगे। रेडियस ड्रा करने के बाद उस पे आप प्रोटेक्टर प्लेस करेंगे, इस लाइन के साथ आप अपनी प्रोटेक्टर की लाइन को अलाइन कर देंगे, और फिर अब आप देखेंगे कितना आपने एंगल ड्रा करना है, 55 डिग्री, तो ये आपका 50 और ये आपका 5। यहाँ पे आप एक पॉइंट लगा लेंगे पेंसिल की हेल्प से और फिर लाइन ड्रा कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 46 डिग्री, तो अब हमने 46 डिग्री ड्रा करना है, तो उसके लिए हम प्रोटेक्टर हम इस वाले लाइन के साथ अलाइन करेंगे सेंट्रल पॉइंट के साथ, और अब हम 46 डिग्री देखेंगे, 46 डिग्री कहाँ से कहाँ पे आएगा, ये 40, ये 45 और यहाँ पे 46, यहाँ पे आप पेंसिल से पॉइंट लगाएंगे और फिर लाइन ड्रा कर लेंगे, और फिर उसके अंदर लिख देंगे डोनेशन फ्रॉम पेरेंट्स, ये है। उसके बाद थर्ड हमारा है डोनेशन फ्रॉम टीचर सेक्टर, फिर इसी तरह ही हम इस लाइन के साथ अब इस सेंट्रल पॉइंट को अलाइन कर लेंगे और इस लाइन के साथ प्रोटेक्टर की लाइन को अलाइन करेंगे, और अब हमने 59 डिग्री देखना है, तो ये हमारे पास 50 और यहाँ पे 60 से एक कम हमारे पास आ जाएगा 59, तो यहाँ पे आपने पॉइंट लगा के इसको भी लाइन ड्रा कर लेनी है, और इसके अंदर फिर हम लिख लेंगे डोनेशन फ्रॉम टीचर्स 59 डिग्री है। उसके बाद टिकट सेलिंग सेक्टर से उसी तरह हमने प्रोटेक्टर प्लेस करना है, वो हमारे पास सबसे ज़्यादा है 154 से, तो ये 150 हमारे पास आ गया, और इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट ड्रा करेंगे 154 पे, एक पॉइंट लगाएंगे और फिर आपने एक लाइन उसे लगा देनी है, और इसके अंदर फिर आप लिख देंगे टिकट सेलिंग सेक्टर से ही है। अब बाकी हमारे पास ये वाला पोर्शन बच गया, तो ये ऑटोमेटिकली 46 डिग्री के इक्वली होगा, इसको हमें तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, और क्योंकि ये टोटल जो हमारे पास आया वो 360 डिग्री हो गया। फिर हम इसमें लिख लेंगे ड्रेसिंग अप डे सेक्टर, और ये आपका पाई ग्राफ कम्प्लीट हो गया। तो पार्ट वन आपका कम्प्लीट हो गया, हम सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट है फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल हु अचीव ईच ग्रेड, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं जिन्होंने डिफरेंट ग्रेड्स ऑब्टेन किए हैं, डिस्टिंक्शन में 100 स्टूडेंट हैं, मेरिट पे 250, पास 400 और फेल 100 हुए हैं। अब आपने इसका भी पाई ग्राफ बनाना है, तो पहले आप टोटल स्टूडेंट्स जो उनसे हैं उनको कर लेंगे, उनको करके 850 आपके पास टोटल स्टूडेंट आ गए। अब आपने एंगल जिस तरह हमने पहले वाले पार्ट में किया था, इसी तरह आपने एंगल निकालने हैं हर सेक्टर के। एंगल ऑफ डिस्टिंक्शन सेक्टर के लिए हम जो हमारे पास इंडिविजुअल वैल्यू होती है वो लिखते हैं, टोटल के साथ डिवाइड किया, और 360 डिग्री जो कि पूरा आपका सर्कल की डिग्री होती है वो आपने लिख के उसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब आपने ये 0,0 से काट दें तो 3,600 डिवाइडेड बाई 85 रह जाएगा, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 42.3 डिग्री आए। फिर हम उसी तरह इसको राउंड कर लेंगे, राउंड करके 42 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। फिर उसके बाद एंगल ऑफ मेरिट सेक्टर, वो हमारे पास 250 था, 250 को हमने टोटल से डिवाइड किया, 360 डिग्री से मल्टीप्लाई किया, तो हमने फिर इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास 106 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एंगल ऑफ पास सेक्टर, जो बच्चे पास हुए हैं पास सेक्टर में 400 थे, टोटल से डिवाइड किया, 360 डिग्री से मल्टीप्लाई किया, जीरो को जीरो से कटिंग कर दी, आगे बच गया आपके पास आंसर आ गया 169 डिग्री। अब लास्ट वन हमारे पास है फेल सेक्टर, इसका हमने एंगल निकालना है, उसी तरह ही एंगल ऑफ फेल सेक्टर लिखेंगे, 100 डिवाइडेड बाई 850 मल्टीप्लाइड बाई 360 डिग्री करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके 42 डिग्री आ गया। अब आपने पाई चार्ट ड्रा करना है इन एंगल्स की बेस पे, तो हम ये
पाई चार्ट बनाने के लिए आप सर्कल ड्रा करेंगे प्रोट्रैक्टर की हेल्प से। उसके बाद आप एक लाइन ड्रा करेंगे सेंट्रल लाइन, जो कि उसका रेडियस होगा। सेंट्रल लाइन ड्रा करने के बाद आपने अपना प्रोट्रैक्टर इसके ऊपर प्लेस करना है। प्रोट्रैक्टर प्लेस करके इस लाइन को प्रोट्रैक्टर की लाइन के साथ अलाइन कर लेना है और सेंट्रल लाइन को इसके जो है एंड पे यहाँ पे रख देना है। उसके बाद अब आपने 42 डिग्री जोन सा है वो यहाँ पे ड्रा करना है। तो उसके लिए आप ये देखें, इसको रीड आउट करें तो यहाँ पे ये 40 आ जाएगा और 40 और दो छोटी लाइनें और 42 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप एक पेंसिल की हेल्प से एक पॉइंट लगाएंगे। एक पॉइंट लगाने के बाद आप फिर एक लाइन को ड्रा कर लेंगे और फिर उसके बाद आप इसके इस सेक्टर में लिख देंगे एंगल ऑफ डिस्टिंक्शन सेक्टर 59 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट आप ने 106 डिग्री को ड्रा करना है। तो आप अपने प्रोट्रैक्टर को प्लेस कर लेंगे। अब ये जो आपके पास लाइन आई थी, इस लाइन के साथ प्रोट्रैक्टर की लाइन को अलाइन कर लेना है। अलाइन करने के बाद अब आपने 106 डिग्री देखना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये 100 हो गया, ये 105, और उसके बाद एक डिग्री और 106 डिग्री पे आपने पेंसिल की हेल्प से एक पॉइंट लगा लेना है और फिर आपने एक लाइन ड्रा कर लेनी है और फिर उसमें आपने लिख देना एंगल ऑफ मेरिट सेक्टर 106 डिग्री। उसके बाद एंगल ऑफ पास सेक्टर के लिए आपने फिर प्रोट्रैक्टर को प्लेस करना है। ये सेंट्रल पॉइंट के साथ आपने अपनी जो प्रोट्रैक्टर है उसकी सेंट्रल को प्लेस कर देना और इस लाइन के साथ प्रोट्रैक्टर की लाइन को अलाइन कर लेना है। उसके बाद आपने 169 डिग्री देखना है कि वो किधर आएगा। तो 169 डिग्री ये है 160, और 170 से एक पॉइंट पहले यहाँ पे आपने पेंसिल की हेल्प से एक पॉइंट लगा लेना है। पॉइंट लगाने के बाद फिर आपने एक लाइन ड्रा कर लेनी है और फिर उसमें आपने लिख लेना है एंगल ऑफ पास सेक्टर 169 डिग्री। बाकी आपके पास जो बच जाएगा वो आपका 42 डिग्री ही होगा, जो कि एंगल ऑफ फेल सेक्टर है। तो फिर आपने वहाँ पे एंगल ऑफ फेल सेक्टर लिखना है और ये 42 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह आपका ये पाई चार्ट पार्ट टू का भी कंप्लीट हो गया। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो, आपको इससे फ़ायदा हुई, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।